नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुवा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 7वां लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो हम फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो आम हो, केला हो, लीची हो, बनाना हो, गोभी कोई सा भी हो, चाहे पपाया हो, इनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी कंट्री इनको करती है, अल्टरनेट बेयरिंग क्या होता है, ठीक, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, पॉलीएम्ब्रोयनी क्या होता है और किस प्रकार का इन्फ्लोरोसेंस, किस प्रकार का पुष्पक्रम पौधे में पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किया जाए, जैसे यूएसए अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रेप फ्रूट, पिमलो, आलमंड और वॉलनट। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वॉलनट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, अमेरिका में। आलमंड सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, अमेरिका में। पिमलो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, अमेरिका में। ग्रेप फ्रूट कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, ये भी अमेरिका में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब वॉलनट सबसे ज़्यादा अमेरिका में, ठीक, ऐसे है। अब चाइना, चाइना में सबसे ज़्यादा क्या होता है, देखो मैंडारिन, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंडारिन चाइना पैदा करता है। लीची सबसे ज़्यादा कौन पैदा करता है, चाइना पैदा करता है। एप्पल कौन पैदा करता है, ये भी चाइना करता है। अब कोकोवा, कॉफ़ी, पपाया, स्वीट ऑरेंज और गुआवा, ये सब सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, ब्राज़ील। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गुआवा ब्राज़ील पैदा करता है, ठीक। अब ओवरऑल अगर फ्रूट प्रोडक्शन में देखा जाए तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री ऐसी है जो सबसे ज़्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन करती है पूरी दुनिया में, तो नंबर वन है ब्राज़ील, नंबर दो पर है चाइना और नंबर तीन पर है इंडिया। अब इंडोनेशिया, ये कोकोनट और क्लोव के प्रोडक्शन में विश्व में नंबर वन है। थाईलैंड में पाइनएप्पल और रबड़ की खेती बहुत होती है, यानी कि रबड़ सबसे ज़्यादा थाईलैंड प्रोड्यूस करता है और पाइनएप्पल। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का रबड़ जो अगर देखा जाए कौन प्रोड्यूस करता है, इंडिया। दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का रबड़ कौन प्रोड्यूस करता है, इंडिया। और अगर पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ये देखी जाए रबड़ की, रबड़ की प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो वो भी इंडिया में ही है सबसे ज़्यादा। लेकिन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो थाईलैंड है, ठीक। अब मैंगो, बनाना, एसिड लाइम, सपोटा, कैजू, अरेका नट और टी, ये सब जो क्रॉपें हैं इन क्रॉप को इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया ही है इन क्रॉप का। अब श्रीलंका में सिनेमोन, पियर और ग्रेप, इस चीज़ के प्रोडक्शन में, सिनेमोन, ग्रेप और पियर के प्रोडक्शन में श्रीलंका दुनिया में सबसे बड़ा है। अगर जैसे मान लो ऐसे पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिनेमोन, तो ये कौन है हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिनेमोन इन द वर्ल्ड, तो श्रीलंका आपका राइट आंसर आएगा, ठीक। यूगोस्लाविया, यहाँ पे प्लम, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लम यूगोस्लाविया में होता है। अब देखते हैं क्या है, अल्टरनेट बियरिंग क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट, मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ नहीं होगा, ऐसे चल रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट बियरिंग। देखो क्या होता है कि जो क्रॉप होती है, चाहे आम हो, चाहे लीची हो, ठीक, चाहे खजूर हो, ये सब जो होता है क्रॉप, एक साल तो इनमें फल लगता है, दूसरी साल नहीं लगता। जैसे आम में आप लोगों ने देखा होगा कि एक साल फल लगता है और उसके अगले साल फल नहीं लगता है, फिर एक साल लगेगा, मतलब कि बाई एनुअल होता है, मतलब दो साल में एक बार, एक साल फल आएगा, एक साल नहीं आएगा, एक साल फिर फल आएगा, एक साल फिर नहीं आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट बियरिंग हैबिट। जिस साल फल आता है उसको हम ऑन सीजन कहते हैं, ठीक, ये वाला ऑन, ऑन सीजन, और जिस साल फल नहीं आता है उसको हम ऑफ सीजन कहते हैं, ठीक। ऑन सीजन और ऑफ सीजन, अगर फल आ रहा है तो ऑन सीजन और फल नहीं आ रहा है तो ऑफ सीजन। अब देखो टेक्निकल टर्म में इसको कैसे पढ़ा जाता है, अल्टरनेट वेयरिंग यानी कि ए बी इज एन अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ लार्ज एंड स्मॉल क्रॉप अकरिंग इन मेनी फ्रूट स्पेसीज दैट इज इंटरनली रिक्वायर्ड बाई द प्लांट। कहने का तात्पर्य यह है कि एक साल तो वो फल देगा, जैसे आम का है, एक साल आम फल देगा, फिर जब अगली साल फिर से आएगा तो उस समय उसमें बौर नहीं आएगा, उसमें आम नहीं लगेगा, उसमें
उस समय अगले साल उसमें नई नई पत्तियां आएंगी ढेर सारी, ठीक, एक साल फल एक साल पत्ती, एक साल फल फिर एक साल पत्ती, ऐसे ऐसे होता है, तो हर दूसरे साल हमें आम मिलता है। तो ये अल्टरनेट बियरिंग हैबिट किस किस पौधे में पाई जाती है? ये पाई जाती है मैंगो में, एप्पल में, ओलाइव में, परसीमन, यूरोपियन प्लम, पीनट और डेट पाम, इन सब क्रॉप में अल्टरनेट बियरिंग हैबिट पाई जाती है। ये जो अल्टरनेट बियरिंग हैबिट होती है ये पौधों की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। जैसे कहते नहीं है कि दो बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल की दूरी, क्योंकि जो माँ होती है ये तैयार नहीं रहती है अगला रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक, अगला बच्चा रिप्रोड्यूस करने के लिए वो तैयार नहीं रहती, इसीलिए कहते हैं कि दो बच्चों के बीच में 3 साल की दूरी होनी चाहिए, 3 साल का टाइम लेना चाहिए। इसी तरीके से आम में भी होता है, हर साल फलत्व नहीं दे पाता है, एक साल अपनी ग्रोथ करेगा, थोड़ा खाएगा पिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, फिर अगले साल फिर फल देगा, फिर वही अगले साल, फिर अगले साल, ऐसे ऐसे करता रहता है। तो इसको कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग हैबिट। अब देखो पार्थिनोकार्पी क्या होता है। देखो बहुत समय पहले क्या होता था कि केला जो आता था केला में भी सीड होता था, ठीक, अंगूर में भी सीड होता था, मतलब बीज बिया होता था। जो तरबूज आता है तरबूज में तो अब भी आता है, बिया रहता है मतलब बीज रहता है, लेकिन कुछ कुछ तरबूज ऐसे होते हैं जिसमें सीड नहीं होता है। तो जो बिना सीड के जो फल पैदा होते हैं इनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, और ये डेवलप किए जाते हैं पार्थिनोकार्पी के थ्रू। अब देखो इसको टेक्निकल भाषा में इसको पढ़ते कैसे हैं। पार्थिनोकार्पी इज द नेचुरल और आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल व्हिच मेक ए फ्रूट सीडलेस। देखो इतना पढ़ना, फ्रूट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स, ठीक, ये इतना टेक्निकल चीज, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बिना ही फल का निर्माण क्या होता है, पार्थिनोकार्पी होता है। देखो फल का निर्माण जब होता है तो फल के डेवलपमेंट के लिए हमें फर्टिलाइजेशन कराना पड़ता है, जब सीड बनेगा तभी फल बनेगा, लेकिन पार्थिनोकार्पी के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें सीड बन, इसमें फ्रूट जो है वो फ्रूट बन जाएगा, कैसे, बिना फर्टिलाइजेशन के, इसमें फर्टिलाइजेशन करेंगे नहीं और सीड बन जाएगा, वो सॉरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स। अब देखो इसमें ये जो दिख रहा है तरबूज वाटरमेलन, इसमें देखो कहाँ बीज है, सीड है, इसमें कहीं सीड दिख रहा है, तो ये क्यों है, पार्थिनोकार्पी की वजह से ही है। अब देखो टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी, दूसरी होती है स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी, नंबर तीसरा है स्टेनोस्पर्मोकार्पी, स्टेनोस्पर्मोकार्पी, ये 3 प्रकार की पार्थिनोकार्पी पौधों में पाई जाती है। अब देखो वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी क्या होता है, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी को टेक्निकल टर्म में कैसे पढ़ते हैं, दिस टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी टेक प्लेस विदाउट पॉलिनेशन व्हिच रिजल्ट इन नो सीड प्रोडक्शन विद इन सीड्स, जैसे बनाना, फिग और पाइन एप्पल, इसमें जो ये 3 क्रॉप है इसमें क्या पाया जाता है, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी पाई जाती है। देखो ऐसे समझो कि विदाउट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ही नहीं होगा, जैसे मान लो कि एक ये फूल, एक फूल है, एक ये फूल है, यहाँ का एंथर इसके स्टिग्मा पर आएगा ही नहीं, पॉलिनेशन होगा ही नहीं, बिना पॉलिनेशन के ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, बिना पॉलिनेशन के ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक बार फिर से ध्यान से सुनो, बिना पॉलिनेशन के ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, फ्रूट बिना पॉलिनेशन के ही बन जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अब स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी ये क्या होता है, इफ ए फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम द मेयर स्टिमुलेट ऑफ द पॉलिनेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन द फिनोमिना इज नोन एज स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी। अब देखो इसमें जो होता है पॉलिनेशन तो होगा, समझ पा रहे हो, पॉलिनेशन तो होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा,
स्टार्टिंग में देखो कैसे होता है। सबसे पहले होता है पॉलिनेशन, ठीक। पॉलिनेशन होने के बाद फिर एंथर का होता है जर्मिनेशन। स्टिग्मा पर जब एंथर पहुंच जाएगा, फीमेल के स्टिग्मा पर जब पहुंच जाएगा, तो वहां पर एंथर जर्मिनेट करेगा, वो जम के फिर नीचे जाएगा उसके ओव्यूल में। जर्मिनेशन के बाद फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जायगोट बनता है। ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक, सीड बनाने के लिए। लेकिन इसमें तो पॉलिनेशन तो हो गया, स्टिम्युलेटिव में पॉलिनेशन तो हो गया, लेकिन किसी वजह से जर्मिनेशन नहीं हो पाया। जब जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलन ऊपर ही पड़ा रहेगा स्टिग्मा के ऊपर। ऐसे मान लो ये स्टिग्मा है, यहाँ पे आके पॉलन पड़ गया, यानी कि जो मेल पार्ट था वो आके इसी के ऊपर पड़ गया। अब यहाँ से जब तक वो नीचे नहीं जाएगा, नीचे यहाँ अंडाशय होता है, जब तक यहाँ पहुंचेगा नहीं, इसको फाड़ के ऐसे ऐसे धीरे धीरे जर्मिनेट करके यहाँ से, जब तक यहाँ आएगा नहीं, तब तक यहाँ अंडे से मिलेगा नहीं और फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इस तरीके से भी फ्रूट डेवलप हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्टुमुलेटिव पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब पॉलिनेशन तो होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो वहां पे पॉलन जाके स्टिग्मा पे, फीमेल के स्टिग्मा पर पॉलन जब जाता है तो वहां पर जाके वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है, और जब जर्मिनेट नहीं कर पाएगा तो वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टिम्युलेटिव पार्थिनोकार्पी हो जाएगी। ये पाया जाता है लीची में और ब्रेड फ्रूट में। इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हिच वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी इज फाउंड इन। तो जैसे अभी दे दिया इसे, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल दे दिया 4-5 ठो, तो उसमें से अगर ये तीनों रहेंगे तो यही तीनों सही होंगे। अब उसके बाद स्टेनो स्पर्मोकार्पी ये कैसी होती है, ये थोड़ा एक स्टेप और चल के काम होता है। क्या, इन ब्लैक कैरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप, यानी कि एक ग्रेप की, एक अंगूर की वैरायटी है ब्लैक कैरियंथ। इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। पॉलिनेशन भी हो जाता है और फर्टिलाइजेशन भी होता है, बट एम्ब्रायो गेट अबॉर्ड। लेकिन जो एम्ब्रायो होता है वो अबॉर्ड हो जाता है, यानी कि वो गिर जाता है, यानी कि मर जाता है, एम्ब्रायो डेवलप नहीं होता है। सब्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन सीडलेसनेस, दिस फिनोमिना ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट इज रिफर्ड टू एज स्टेनोस्पर्मोकार्पी। ये किसमें किसमें पाया जाता है, ब्लैक कोरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप, ग्रेप की जो ब्लैक कोरियंथ वैरायटी है उसमें पाया जाता है। सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की जो सिंधु वैरायटी है ये उसमें पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होता है कि इसमें जो सीड होता है, सीड की जगह पे खूब पतला सा एक चीज पाया जाएगा, एक पतली सी परत पाई जाएगी, खूब चिपटा चिपटा लगेगा। सीड है वो सीड ही रहता है, लेकिन वो बिल्कुल चिपटा चिपटा रहता है, वो बिना काम का होता है, समझ गए। ऐसे जो आम में होता है बिल्कुल ऐसे चिपटा चिपटा, एक बहुत ऐसे पतला सा एक सीड मिल जाएगा, ठीक। ऐसे ब्लैक कोरियंथ में भी ऐसे बहुत पतला सा होता है, तो इसको स्टेनोस्पर्मो कार्पी कहते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, फिर जर्मिनेशन होता है। एक मिनट थोड़ा मिटा दें तो फिर बताते हैं। सबसे पहले होता है पॉलिनेशन, फिर होता है जर्मिनेशन, ठीक। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, फिर बनता है जो जाइगोट, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, स्टेनोस्पर्मोकार्पी में पॉलिनेशन भी हो गया, जर्मिनेशन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, यहाँ तक हो गया। लेकिन ये जाइगोट बनने के बाद सीड जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाया, वो अबॉर्ट कर गया, समझ गए। जैसे कि बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, अगर वो 3 महीने 2 महीने में बच्चा, यानी कि जो ओव्यूल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो डेड हो जाए, तो अबॉर्ट हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि वो जन्म नहीं लेता है। तो इसी टाइप से होता है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। इसमें पॉलिनेशन भी होगा, जर्मिनेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सीड नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां जो उसका जायगोट हो वो अबॉर्ट हो जाएगा, जो उसका एम्ब्रायो है वो गेट अबॉर्ट हो जाता है। ये इतना की पॉइंट इसका है, याद कर लीजिएगा। अब देखो, पॉली एम्ब्रॉयनी, पॉली का मतलब ढेर सारे, एम्ब्रॉयनी का मतलब एम्ब्रॉयो, यानी कि किसी एक सीड में ढेर सारे एम्ब्रॉयो। जैसे मान लो कि एक ये सीड है, उस सीड में यहाँ पे एक एम्ब्रॉयो है, ऐसे सब में होता है एक ही एम्ब्रॉयो। अधिकतर जो होते हैं पौधे उसमें एक ही एम्ब्रॉयो होता है, केवल यही एक एम्ब्रॉयो। लेकिन मान लो अभी एक एम्ब्रॉयो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ,
एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इसे ढेर सारे हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रॉयनी कहते हैं। मतलब एक ही सीड में दो या दो से ज्यादा एम्ब्रॉय जब होते हैं तो उसको हम पॉली एम्ब्रॉयनी कहते हैं। टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रॉय फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज्ड ओव्यूम और इन ए सिंगल सीड। मतलब एक सिंगल सीड में मोर देन वन एम्ब्रॉय, एक से ज्यादा जब एम्ब्रॉय हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रॉयनी। ये किसमें पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है, सिट्रस में पाया जाता है और जामुन में पाया जाता है। कैसे, ये एक आपने देखा होगा, अभी आगे बताते हैं, ध्यान से समझ जाओगे फिर। पॉली एम्ब्रॉयनी देखो, इसमें एक ये सीड है, एक एम्ब्रॉय ये है काला वाला, उसके बाद देखो ये चार एम्ब्रॉय और हैं इसके साथ, तो इसको क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रॉयनी। इसमें देखो ये ढेर सारे एम्ब्रॉय हो गए, इसमें भी ऐसे ढेर सारे हो गए हैं। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होता है पॉली एम्ब्रॉयनी का, कि एक ही सीड है, एक ही सीड से तीन पौधे निकल रहे हैं, मूलांकुर और परांकुर, समझ रहे हो, प्लीम्यूल जो होते हैं वो तीन ही निकलते हैं, स्टार्टिंग में ही तीन निकल जाएंगे एक ही जगह से। मतलब एक ही सीड रहेगा, उसी सीड से बिल्कुल जड़ से ही तीन ठीक निकला रहेगा। जैसे आम होता है, आम कैसा होता है, बिल्कुल जड़ से अगर आम को देखोगे तो एक ही स्टेम निकला होता है। जैसे मान लो आम का ये सीड है तो वहां से केवल एक ही स्टेम स्टार्टिंग में निकलेगा, फिर यहाँ जाके दो चार पांच हो जाए, फिर यहीं से अगर हम काट देंगे तो दो तीन चार हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में एक ही निकलता है। लेकिन जब पॉली एम्ब्रॉयनी होगा तो पॉली एम्ब्रॉयनी के समय में यहीं से जड़ से ही दो ठो निकलेगा, एक साथ ही दो दो ठो निकलेगा, दो तीन ज्यादा निकल जाएगा, दो या तीन निकल जाएगा। जैसे इसमें देखो ये सीड है, यहाँ पे तीन ठो निकल रहा है, एक दो तीन, तो ये क्या हो गया, पॉली एम्ब्रॉयनी हो गया। समझ में आया। अब देखो ये कहाँ पाया जाता है, मैंगो में, सिट्रस में और जामुन में पॉली एम्ब्रॉयनी पाई जाती है। अब एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस भी जान लो। कभी कभी क्या होता है कि जो सीड होता है, सीड बनने के लिए मैंने बताया कि पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, उसके बाद सीड, ये यही प्रक्रिया होती है। लेकिन मान लो ये सभी प्रक्रिया हो ही ना, ये पूरी प्रक्रिया यानी कि पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट, ये सब बने ना है, डायरेक्ट सीड बन जाए, यानी कि बिना पॉलिनेशन और बिना जर्मिनेशन और बिना फर्टिलाइजेशन के केवल डायरेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट जाइगोट बना, और जाइगोट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और ये सीड। अब केवल यही दो प्रक्रिया हो रही, केवल जाइगोट बन रहा है और सीड बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो भी सीड बन जाएगा, इसमें पॉलिनेशन हुआ ही नहीं, ठीक, सीड बन गया। अब देखो एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर वाइसेस सीड्स इन व्हिच एम्ब्रायो डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें जो एम्ब्रायो होता है, भ्रूण जो होता है, वो बिना निषेचन के ही बन जाता है, बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। एक बार खूब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमैक्सिस, यानी कि बिना बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण एपोमिक्सिस कहलाता है। अब पार्थिनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट का निर्माण यानी कि फल का निर्माण बिना निषेचन के, बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है तो उसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, और जब बिना निषेचन के सीड का निर्माण हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। ये खूब ध्यान से समझ लेना, पार्थिनोकार्पी में सीड नहीं होता है, ठीक, और एपोमिक्सिस में सीड होता है लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, खूब ध्यान से समझ लेना। अब पार्थिनोकार्पी भी कई प्रकार, वो एपोमिक्सिस भी कई प्रकार की होती है। पहला होता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ ए फीमेल यानी रेयरली मेल गैमिट सेक्स सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल सेल होती है, कभी कभी मेल सेल भी काम में आ जाता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है
वो फीमेल सेल जो होती है वही अपने आप में बिना फर्टिलाइजेशन के थ्रू हुई सीड बना लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। जब फीमेल बिना मेल के ही सीड बना लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। ये किस में पाया जाता है, मैंगोस्टीन में। अब रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस, इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस द एम्ब्रायो सच ए डेवलप्ड फ्रॉम ए डिप्लॉयड एग मदर सेल और फ्रॉम सम अदर डिप्लॉयड सेल ऑफ द एम्ब्रायो सच विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि कोई एक ऐसी सेल यानी कि कोई एक ऐसी कोशिका जो डिप्लॉयड हो यानी कि क्रोमोजोम 2n के यानी कि जोड़े में क्रोमोजोम हो, 2n नंबर में क्रोमोजोम हो, डिप्लॉयड मदर एग मदर सेल यानी कि जो फीमेल का एग वाला सेल है यानी कि जो एवुल है, जो अंडा है फीमेल का, जो अंड है, हिंदी में अंड बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट, उस अंड को अगर वो डिप्लॉयड है, जैसे मान लो ये अंडा है ठीक फीमेल का, अब ये 2n है, अब इसी में धीरे धीरे क्या हो गया, माइटोसिस सेल डिवीजन होने लगा और ये अंडा धीरे धीरे बड़ा होते होते इतना बड़ा सा बन गया और ये बन के क्या हुआ, सीड बन गया। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें मेल का काम लगा कहीं नहीं लगा, अपने आप में ही फीमेल ने बना लिया, तो इसको हम कहते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। ये किस में पाया जाता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस एप्पल में पाया जाता है और रसबेरी में पाया जाता है। अब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस या न्यूक्लियर बडिंग या पॉलीएम्ब्रोयनी, अब ये देखो कैसे होता है। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस द एम्ब्रायो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द हैप्लॉयड एग सेल। इसमें जो होता है एम्ब्रायो जो डेवलपमेंट होता है सीड से, वो मदर सेल में, मदर सेल में एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है वो हैप्लॉयड सेल से होता है यानी कि उसमें केवल यन रहेगा, 2n नहीं रहेगा, समझ पा रहे हो, उसमें डिप्लॉयड था यानी कि 2n था, यहाँ पे हैप्लॉयड ही रहेगा, केवल यन ही रहेगा, वो डायरेक्टली मदर प्लांट से हैप्लॉयड से ही मदर मदर जो एग सेल होती है उसी से ही हैप्लॉयड एग सेल से ही हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस इसको हम कहते हैं, इसी से ही फ्रूट का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉयड एपोगैमी। इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें भी फर्टिलाइजेशन का काम नहीं लगा, केवल हैप्लॉयड जो मदर एग सेल थी उसी में माइटोसिस सेल डिवीजन हो गया और धीरे धीरे वो बड़ी होकर क्या बन गई एक सीड बन गया ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब इसमें देखो मैंगो में नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस होती है लेकिन कौन से टाइप की, एडवांटियस टाइप की। सिट्रस में होती है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस लेकिन कौन से टाइप की, न्यूक्लियर टाइप की। अब जामुन और जावा प्लम में इसमें भी न्यूक्लियर टाइप की एपोमिक्सिस होती है। अब देखो अगर कभी पूछा जाए कि नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस किस में पाया जाता है तो मैंगो, सिट्रस, जामुन और जावा प्लम में पाया जाता है, लेकिन अगर अभी कोई पूछ ले कि एडवांटियस टाइप नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस किस में पाई जाती है तो मैंगो बताओगी, और अगर पूछ लिया जाए न्यूक्लियर टाइप नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस किस में पाया जाता है तो बताओगे सिट्रस में पाया जाता है, समझ गए। अब देखो पार्थिनोकार्पी मैंने बता दिया था, पार्थिनोकार्पी इज द प्रोसेस इन व्हिच फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज ओव्यूल, यानी कि इसमें जो फ्रूट होता है वो बिना ओव्यूल के, बिना अंड के, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो जाता है, इसमें सीडलेस फ्रूट होता है। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस इसमें दोनों में कन्फ्यूजन थी तो मैंने बताया, पार्थिनोकार्पी में जो फ्रूट होता है वो डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के यानी कि बिना ओव्यूल के डेवलपमेंट के ही, उसमें जायगोट फाइगोट कुछ नहीं बनता, सीड वूड उसमें कुछ नहीं रहता, तो वो पार्थिनोकार्पी हो गई। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है इसको पढ़ते हैं, पार्थिनोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमनली सोन इन ऑर्गेनिज्म मेनली बाई सम इंटरवर्ट्स एंड लोअर प्लांट। ये पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, ये एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है जो कॉमनली किसमें होता है, लोअर प्लांट में होता है और या तो फिर कुछ एनिमल्स में भी होता है ठीक। तो ये हो गया पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी वो हो गया, पार्थिनोजेनेसिस ये हो गया, ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन है पार्थिनोजेनेसिस, समझ गए। इसमें मेल का काम नहीं लगता है, फीमेल खुद ही बच्चा पैदा कर लेती है, समझ गए, इसमें मेल का काम नहीं लगेगा, फीमेल अपने आप ही बच्चा पैदा कर लेगी, तो ये क्या हो गया पार्थिनोजेनेसिस हो गया, लोअर प्लांट में होता है। अब इनफ्लोरोसेंस क्या होता है,
ये भी बहुत सुंदर सा चैप्टर है, अभी पढ़ते हैं। देखो कैसे, जब फूल निकलता है पौधे में तो फूल निकलने का एक तरीका होता है, ऐसे सजा के फूल निकलता है, समझ गए? किसी में ऐसे फूल निकलेगा, किसी में ऐसे ऐसे फूल निकलेगा, ठीक। फूलों के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इनफ्लोरोसेंस। देखो क्या कह रहा है, एन इनफ्लोरोसेंस इज ए ग्रुप और क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर अरेंज्ड ऑन ए स्टेम दैट इज कंपोज्ड ऑफ ए मेन ब्रांच और ए कंप्लेक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस। मतलब ये जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। देखो जैसे ये फूल यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, ये सब फूल निकले, ये सब, तो ये एक अरेंजमेंट बना के निकल रहे हैं। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे निकला है, ये फ्रूट फूल मतलब फ्लावर निकला है, तो इसको क्या कहते हैं, ये भी एक सीक्वेंस में निकला है, एक बढ़िया सा अरेंजमेंट के थ्रू निकल रहा है, तो इसको हम इनफ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक। अब इनफ्लोरोसेंस कितने तरीके के होते हैं, सबसे पहला सॉलिटरी, एक निकला ऐसे, एक एक ब्रांच ऐसे निकली और उस ब्रांच में यहाँ आके एक फ्रूट बन गया, ठीक, यहाँ पे आया और एक यहाँ एक फ्रूट बन गया, तो इसको हमने क्या कहा, सॉलिटरी कहा। मतलब कि केवल एक ही, एक ब्रांच पे केवल यहाँ पे एक फूल ही निकल रहा है, समझ पा रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिटरी। ये किसमें पाया जाता है, अलमंड में, पीच में, एप्रिकॉट, गुआवा, क्विंस, ट्राइफोलियट ऑरेंज, इन सब में पाया जाता है सॉलिटरी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। अगर भी क्वेश्चन आ जाए कि अलमंड में कौन से टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा, तो क्वेश्चन में आपका आपका जो राइट आंसर होगा वो सॉलिटरी टाइप का। सॉलिटरी टाइप मैंने बता दिया, एक ब्रांच निकलेगी, उस ब्रांच पे केवल एक ही यहाँ पे एक फूल लगेगा और यहीं पे एक फल लगेगा, तो इसको हम सॉलिटरी बोल देते हैं। रेसिमोस, रेसिमोस कई प्रकार का होता है, सबसे पहले रेसिम प्रकार का। रेसिम में क्या होता है, यही देखो, ये वाला रेसिम है, ये वाला जो है, ये वाला जो, ध्यान से देखना, यही वाला, केवल केवल इसी वाले को देखना, ये रेसिम प्रकार का है। इसमें ध्यान से देखो, ये निकला ऐसे, अरे ऐसे हम एक बना देते हैं बड़ा सा, ये हो गया, फिर यहाँ निकला, यहाँ आ गया, यहाँ फूल फूल लग गया, यहाँ फूल लग गया, यहाँ फूल लग गया, फिर यहाँ फूल लग गया, यहाँ फूल लग गया, तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम बन रहा है ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, रेसिम पुष्पक्रम कहते हैं, ठीक। अब ये किसमें पाया जाता है, ब्लैकबेरी में, घूसबेरी में और रसबेरी में, ये रेसिम प्रकार का। अब कैटकिन टाइप का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, ये मलबरी में पाया जाता है, चेस्टनट में पाया जाता है, वॉलनट में और पीनट में। उसके बाद फिर कैटकिन टाइप का ये है, कैटकिन टाइप का ये है, ऐसे एक ब्रांच निकली, ऐसे देखो ब्रांच निकली है। अब इस ब्रांच में देखो, हम इसको बना के तुम्हें दिखाते हैं, एक ऐसे ब्रांच निकली, ठीक, अब यहीं से एक दो तीन ऐसे निकले और यहाँ पे तीनों में लग गया, फिर यहाँ से एक दो तीन ऐसे निकली, फिर यहाँ पे तीनों में फूल लग गया, फिर यहाँ पे एक दो तीन यहाँ पे ऐसे फूल लग गया, एक दो तीन यहाँ पे ऐसे फूल लग गया, तो ये हो गया कैटकिन प्रकार का, समझ गए, ये हो गया कैटकिन, समझ में आ रहा है ना। रेसिम में ऐसे था, केवल एक सिंगल था, यहाँ पे ये निकल गया, फिर ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया। इसमें केवल यहाँ पे एक निकला, यहाँ पे एक ही फूल था, लेकिन यहाँ पे तीन तीन चार चार दो दो ऐसे निकल रहे हैं, तो ये हो गया, ये वाला हो गया रेसिम और ये वाला हो गया कैटकिन टाइप का। ध्यान से समझते चलना, कभी भूलोगे नहीं कैसे कैसे क्या होता है। ये कैटकिन पाया जाता है मलबरी में, चेस्टनट, वॉलनट और पिकन नट में, ये कैटकिन टाइप का। अब क्रैम्ब टाइप का किसमें पाया जाता है, ये पियर में पाया जाता है, ये इस तरीके से होता है, ध्यान से देखो, ये जो किनारे किनारे ये है, ये इसका फ्लावर है और ये उसका अरेंजमेंट है, ये कैटकिन टाइप का, वो क्रैम्ब टाइप का हो गया। अब अगला देखो, अगला होता है साइमोस टाइप का, साइमोस टाइप का ऐसे होता है। अब देखो ध्यान से, रेसिम और साइमोस में अंतर क्या है, रेसिम वाला जो था वो ऐसे था, एक यहाँ निकला, फिर यहाँ निकला, फिर यहाँ निकला, फिर यहाँ निकला, फिर यहाँ निकला, ऐसे ऐसे निकल रहा है, लेकिन जो साइमोज में है, साइमोज में जो है उसको देखो, यह ऐसे निकल रहा है। रेसिम, पहले रेसिम वाला यही बनाते हैं, यही साइमोज वाला भी ध्यान से समझ जाओगे, ऐसे है,
यहाँ ये निकल गया, यहाँ ये निकल गया, फिर यहाँ ये निकल गया, यहाँ निकल गया और यहाँ निकल गया, समझ गए कैसे? अब यहाँ पे देखो, एक ही जगह से दोनों तरफ निकल रहा है, एक ही जगह से, यहीं से इधर, यहीं से इधर, यहीं से इधर, यहीं से इधर। ये हो गया रेसिन टाइप का और ये हो गया साइमोस टाइप का। ये रेसिम या रेस, चाहे रेसिम बोल दो, रेसिमोज बोल दो, मतलब ये जो तीन टाइप के थे इसमें, ये रेसिम, कैटकिन और साइमोज, ये सब में यही ऊपर था। सब में देखो ध्यान से, यहाँ पहले निकला, फिर यहाँ 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 निकला। यहाँ पे देखो, पहले इधर निकला, फिर थोड़े ऊपर आके यहाँ निकला, फिर यहाँ निकला, फिर यहाँ निकला, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे निकल रहा है। यहाँ पे भी ऐसे 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 निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो निकल रहा है साइमोज में, एक साथ ही दो निकल रहे हैं एक ही जगह से, इधर भी और इधर भी, इधर भी वहीं से निकला ऐसे, यहाँ से भी, यहीं से यहाँ, इधर भी, यहाँ भी एक लग गया, यहाँ लग गया, फिर यहाँ ये कैसे निकला, फिर यहाँ ये कैसे, यहाँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइमोज टाइप का इनफ्लोरोसेंस। इसमें क्या होता है, सॉलिटरी होता है। अगर केवल ऐसे निकला हो तो ये सॉलिटरी हो गया, ठीक। ये किस में पाया जाता है, सपोटा, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, फालसा, परसीमन और पपाया में पाया जाता है। अब फैसिकल, फैसिकल में, अब इसमें क्या होता है कि यही जो निकलते हैं यहाँ ऐसे ऐसे, इन्हीं के आधार पर यहाँ डिवाइड किया जाए। अगर यहाँ जैसे मान लो ऐसे ऐसे दो तीन निकल गए, एक ही जगह से दो दो निकल रहे हैं, तो वो ऐसे हो जाएगा फ्लैसिड। तो इसमें किस में पाया जाता है, स्वीट ऑरेंज में, बेयर में, प्लम में और चेरी में, इस टाइप के। साइमोज में फैसिकल टाइप के पाए जाते हैं। अब पेनिकल टाइप के कैसे होते हैं, पेनिकल टाइप के ग्रेप, लीची, मैंगो, लोकाट और पिस्टाचियो नट, इन सब में पाए जाते हैं पेनिकल टाइप के इनफ्लोरोसेंस। समझ में आया? अब देखो अगला क्या है, स्पैंडिक्स टाइप का इनफ्लोरोसेंस किस में पाया जाता है, ये कोकोनट में, डेट पाम में, अरेका नट और बनाना में पाया जाता है। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है इसको समझने का, कि ये ढके होते हैं। जैसे आपने खजूर में देखा होगा, खजूर जब स्टार्टिंग में निकलता है तो एक इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, खजूर में ढका होता है। अगर आपने खजूर में नहीं देखा होगा तो आम में तो बिल्कुल देखा हो, उसमें बनाना में ऐसे लाल लाल होता है, एक लाल लाल, उसी के अंदर पूरा ऐसे बनाना ढका रहता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्पैंडेक्स का टाइप, टाइप का ये जो ढका रहता है, ये वाली चीज जो है इसको हम स्पैंडेक्स बोलते हैं। और ये जो होता है, ये जो ढके रहता है, जो लाल लाल दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्फेट। ये सब चीज होती है, ठीक। ये होता है पेडिन्यूकल, ये होता है फ्लावर का क्लस्टर। अगर फ्लावर ऐसे ढका रहेगा किसी एक स्ट्रक्चर से, किसी एक टाइप के रंग बिरंगे स्ट्रक्चर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पैंडिक्स टाइप का इनफ्लोरोसेंस। डेट पाम में, खजूर में आप लोगों ने देखा होगा, जब खजूर बाद में बड़ी हो जाती है, तब इसका जो ये लाल लाल वाला पार्ट होता है, ये लाल लाल वाला पार्ट वहाँ सूख के लकड़ी जैसा उसी वहीं कांटे में ही फंसा रहता है पेड़ पे। तो अगर देखोगे कभी ध्यान से तो दिखेगा कि इसी के अंदर वो खजूर थी और ऐसे ही वहीं पर रह के सूख गया, लकड़ी टाइप का हो गया। अब हाइपेंथोडियम किस में पाया, हाइपेंथोडियम टाइप का इनफ्लोरोसेंस, ये फिग में पाया जाता है और पोमग्रेनेट में पाया जाता है। ये पोमग्रेनेट है आपका, देख लो लाल लाल बढ़िया सुंदर सा, ये है हाइपेंथोडियम। इस टाइप का इसमें ऐसे अंडाशय बनेगा और ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे सीड बन जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार का इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, सॉरी, ये आपका ऐसे निकलेगा और यहाँ यहाँ पर ऐसे फ्लावर निकल जाएंगे और इन्हीं सब फ्लावर में क्या होगा, सीड बन जाएगा। ये वही वाला जो हरा हरा है, ये जो किनारे किनारे ये दिख रहा है, ये चीज एक मिनट रुको, हम पेन बदल लें फिर अभी समझ में आएगा, एक सेकेंड। इधर देखो, ये जो हम पेन चला रहे हैं यहाँ, ये चीज, ये क्या है, ये हरा वाला स्ट्रक्चर है। और बाकी जो ये काला, ये वाला जो है, ये लाल वाला स्ट्रक्चर, ये जो लाल लाल सीड लगे हैं अंदर इनके, ये चीज है। तो ऐसे जब रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपेंथोडियम। अब उसके बाद पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक। पॉलिनेशन इसमें क्या होता है कि एंथर का यहाँ से जाके मेल का फीमेल के पास जाना, मेल एंथर का स्टिग्मा पर जाना, टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर
ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा, यानी कि मेल फ्लावर के, मेल फ्लावर का जो एंथर होता है वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ये देखो ये आया यहाँ पे, यहाँ पे आई मधुमक्खी बैठ गई। अब यहाँ पे जो ये पीला पीला दिख रहा है, ये वाले इधर वाले जो पीले पीले दिख रहे हैं ये वाले, इन्हीं को हम बोलते हैं एंथर। यहीं पे जो ये ऊपर ऊपर है यहीं पे एंथर रहता है, ये एंथर इस पे आई मधुमक्खी बैठ गई, मधुमक्खी के शरीर में चिपक गया। अब जब ये आके इस फूल पे बैठेगी तो इस फूल का जो ये हरा हरा है, ये वाला हरा हरा पार्ट, ये इसके वहीं ऊपरी भाग पर बैठ जाएगी, ये यहाँ पर, ठीक यहाँ पर आके बैठ जाएगी। अब फिर यहाँ बैठने के बाद ये जर्मिनेट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन कराएगा, जायगोट बनाएगा, सीड बनाएगा और पूरा हिंतेन सब कुछ हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। केवल यही प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, एक जगह से दूसरी जगह आना। अब ये भी कई तरीके के होते हैं पॉलिनेशन भी, पॉलिनेशन मोड ऑफ एक्शन, मतलब कि किस तरीके से ये लेके जा रहे हैं, लेके जाने के हिसाब से किस तरीके के होते हैं। बाकी सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और गायनो और फिर एक प्रकार का और होता है, ये सब हमने पॉलिनेशन के प्रकार और पहले हमने पढ़ा दिए हैं, आप पहले पीछे जाके आप देख सकते हैं, अगले पीछे वाले लेक्चरों में हमने पढ़ा दिया है उसको। लेकिन एक्ट ऑफ मतलब कि कौन लेके जा रहा है, जैसे यहाँ से जो पोलन निकल रहा है यहाँ के स्टिग्मा पर जा रहा है, इनको लेके कौन जा रहा है, तो इंसेक्ट लेके जाएगा, तो उसको एंटमोफिलस कहते हैं। सीधे सीधे समझ जाओगे, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल बात है नहीं, एंटमोलॉजी से बनी है एंटमोफिलस, तो इंसेक्ट ले जाएगा तो एंटमोफिलस। ये किसमें किसमें होता है, सिट्रस, गुआवा, लीची, बेर, अनोना, एप्पल, मैंगो, अलमंड, चेरी, प्लम, पीच, पियर, इन सब में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। विंड के थ्रू एनेमोफिलस, एयर एनीमो, एयर एनीमो, एयर एनीमो, एयर एनीमो, ऐसे समझ सकते हो, एयर एनीमो, एयर एनीमो, एयर एनीमो, तो एनेमोफिलस। ये किसमें पाए, अगर विंड लेके जाए, हवा के थ्रू चले जाए, जैसे इंसेक्ट के थ्रू जा रहा था तो एग्जाम्पल किसका था, एंटमोफिलस का, लेकिन अगर हवा के द्वारा जाए तो किसमें किसमें जाता है, कोकोनट में, डेट पाम में, जैक फ्रूट, पपाया, कैजू, सपोटर और पोमोग्रेनेट, इन सब में ऐसे होता है। फिर बर्ड के थ्रू हो जाए तो उसको ऑरिन्थोफिलस कहते हैं, बर्ड के थ्रू जो होगा तो उसको ऑरिन्थोफिलस कहते हैं। ये किसमें होता है, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, मैंगो में हाउस फ्लाई के थ्रू होता है, इसको याद कर लेना भैया ध्यान से, मैंगो में हाउस फ्लाई के थ्रू होता है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। फिग में वेस्प के थ्रू होता है और ऑयल फार्म में विविल के थ्रू होता है। तो ये जो तीन स्पेसिफिक हैं इनको याद कर लेना, मैंगो में हाउस फ्लाई, फिग में वेस्प के थ्रू और ऑयल प्लम में विविल के थ्रू होता है। अब केवल इतना ही, थैंक फॉर द अटेंडिंग माई क्लास, इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस विद स्मार्ट लर्निंग विद सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सुझाव हो कमेंट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।